हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग 2023 नए नियम क्या है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम समझेंगे, साथ में कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और इस वीडियो में आपके काउंसलिंग से रिलेटेड सभी डाउट दूर हो जाएंगे। कॉमन काउंसलिंग क्या है, फीस क्या रहने वाली है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है और किस केस में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त हो जाएगी, इस वीडियो में सभी बातों के ऊपर डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा राउंड वन और स्टेट कोटा राउंड वन कैसे होंगे। पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड वन की काउंसलिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद स्टेट का राउंड फर्स्ट स्टार्ट होगा, फिर राउंड टू ऑल इंडिया कोटा स्टार्ट होगा, फिर स्टेट का। इस प्रकार से आपकी काउंसलिंग चलने वाली है, ऐसा नहीं है कि साथ साथ में ही चले। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल काउंसलिंग की शुरुआत mcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन से होती है। आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, कुछ आपकी पर्सनल डिटेल डाल करके। इसके बाद दोस्तों उसके बाद 15% ऑल इंडिया कोटा के ऊपर काउंसलिंग होती है। सेंट्रल काउंसलिंग जो है 100% ऑफ एम्स, 50% ऑफ जिपमर एंड 100% ऑफ बीएचयू एंड 15% ऑफ ईसिक सीटों पर आपकी काउंसलिंग होती है। इसके बाद छात्रों को रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है दोस्तों, वो कितनी है वो अभी बता देता हूँ। लास्ट ईयर की हम बात करें तो सरकारी कॉलेज के चयन करने पर सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी के छात्र होते हैं उनको 1000 रुपये और जो आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस उनको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है। जैसे ये शुल्क आप देते हो तो डिम्ड कॉलेज के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है उसमें ऑप्शन होगा, अगर डिम्ड के लिए सिलेक्ट करते हो तो 5000 रुपये वहाँ पर जो है चार्ज किए जाते हैं और ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल होती है, इसको आपको वापस नहीं किया जाएगा किसी भी केस में। इसके बाद क्या होता है, सरकारी सीटों के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो 10000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अलग से करवानी होती है आपको, और जो आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको 5000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होता है। तो मैं बात करूं दोस्तों वहीं सरकारी सीटों के लिए जो 5000 रुपये सरकारी डिपॉजिट है आपका, डीम्ड यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 2 लाख रुपये होता है, और टोटली मैं बात करूं तो सामान्य वर्ग के लिए सरकारी सीट 11000 रुपये में और 5500 रुपये में आरक्षित वर्ग के लिए एमसीसी काउंसलिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम के लिए आपको जो है इतनी फीस देनी होती है। एक बार दोबारा सुनिए, सामान्य वर्ग को 11000 रुपये और आरक्षित वर्ग को 5500 रुपये सरकारी सीट के लिए। इसके बाद जैसे ही आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का चयन करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट और 5000 रजिस्ट्रेशन फीस, 2,05,000 हो जाता है। पेमेंट करने के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड का ही विकल्प मिलता है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के लिए आप अपने ही अकाउंट का उपयोग करें दोस्तों, क्योंकि एमसीसी उसी माध्यम से उस राशि को वापस करता है, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ये रिफंडेबल होता है। किस केस में ये जब्त होगा वो भी आगे बात करेंगे। साथ में दोस्तों रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद चॉइस फिलिंग की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग में आप कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो है वहाँ पर सजाते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज जो है ज़्यादा प्रेफरेंस में चाहिए, तो वो आपको सबसे ऊपर रखना है और प्रेफरेंस की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रेफरेंस आप रखिए। इसके बाद है एमसीसी काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग करने की कोई लिमिट नहीं होती, मैंने आपको बता दिया है, आप मिनिमम एक और अधिकतम जितने विकल्प आप चुन सकते हैं वो चुन सकते हैं। अलॉटमेंट के बाद अपग्रेडेशन एवं आगे के राउंड के नियम को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यही फंडा पड़ता है, यही बात आपको समझ नहीं आती और काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों राउंड वन होता है, इसमें आपके 2 चांसेस होते हैं, या तो सीट अलॉट हो जाती है या फिर अलॉट नहीं हो पाती है। अगर दोस्तों सीट अलॉट हो गई है, आप चाहते हैं कि इसमें एडमिशन लेना है तो एडमिशन लीजिए, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को अपग्रेडेशन के लिए जाना है, क्या पता सेकंड राउंड में मुझे और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आप अपग्रेडेशन का जो है वहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलाउड नहीं हो जाता है तो आप राउंड टू में सीधे चले जाते हैं, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो भी राउंड टू में चले जाते हैं। अब दोस्तों राउंड टू के अंदर क्या होता है ये बात आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित नियम के तहत एमसीसी के राउंड टू में अलॉटेड सीट पर एडमिशन लेने के बाद छात्र आगे की एमसीसी काउंसलिंग अपने स्टेट की काउंसलिंग और अन्य सभी काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, सेकंड राउंड में आपका अपग्रेडेशन हो गया तो आपको वहां पर एडमिशन ले लेना है, अगर नहीं हुआ तो पहले वाले राउंड में जो एडमिशन हुआ था उस पर एडमिशन ले लेना है,
लेकिन दोस्तों अगर आप दोनों में से किसी राउंड में अपग्रेडेशन करने के बाद एडमिशन नहीं लेते हो तो आप जो है काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। और अगर आपको मोपअप राउंड में वहाँ पर ज्वाइन करना है तो आपको सिक्योरिटी फ़ीस वगैरह दोबारा देनी होगी और वो वाली सिक्योरिटी जो आपने पहले दी थी वो जब्त हो जाएगी। यानी दोस्तों अगर आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है और आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो सेकंड राउंड में आपको कॉलेज लेना अनिवार्य हो जाता है। अगर मिलता है तो वही, अगर नहीं मिलता है तो पहले राउंड में जो मिला था उसमें एडमिशन लेना अनिवार्य हो जाता है। अगर नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट जो थे वो सारी जब्त हो जाती है और आप आगे की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। अगर आपको दोबारा हिस्सा लेना है तो दोबारा से आपको क्या करना होगा, वहाँ पर फीस रजिस्ट्रेशन वगैरह देनी होगी। इसके बाद दोस्तों 2022 में ये नियम जो है और भी मॉडिफाइड कर दिया गया। MCC ने कह दिया कि अगर आप स्टेट के अंदर भी ऐसा करते हैं तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। यानी सेकेंड राउंड में आपको स्टेट हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो, वहाँ पर अगर आपको अपग्रेडेशन में कॉलेज मिल रहा है तो आपको लेना अनिवार्य होगा। अगर सेकेंड राउंड में नहीं मिल रहा तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था उसमें एडमिशन लेना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर कोई छात्र राउंड वन में सीट ज्वाइन करता है और अपग्रेडेशन के लिए चुनता है, अगर राउंड टू में सीट अपग्रेड नहीं हुई तो राउंड वन की सीट रिटेन होगी और सभी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये मैंने आपको बात अभी बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद दोस्तों मोपअप राउंड कैसे होता है। मोपअप राउंड में फर्स्ट दो राउंड होने के बाद जो जो सीटें खाली रह जाती हैं उनके लिए मोपअप राउंड जो है करवाया जाता है, जहां पर आप फ्रेशली रजिस्टर्ड कर सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा। राउंड वन एंड राउंड टू के अंदर नॉन अलॉटेड जो स्टूडेंट होते हैं उनको यहां पर मौका अपने आप मिल जाता है, उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। राउंड वन फ्री एग्जिट और राउंड टू नॉन रिपोर्टेड जो है वो भी मोपअप राउंड में आ सकते हैं, लेकिन उनको अलग से फीस देनी होगी। इसके बाद दोस्तों देखिए कुछ सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। ज्वाइन इन राउंड वन, आपने राउंड वन के अंदर ज्वाइन किया, कॉलेज ऑप्ट हो गया लेकिन आप अपग्रेडेशन के लिए गए। अपग्रेडेड इन राउंड टू, राउंड टू में अपग्रेडेड भी हो गया बट आपने कोई कॉलेज में रिपोर्ट नहीं की, तो यू कैन पार्टिसिपेट इन मोपअप बाई डिपॉजिटिंग सिक्योरिटी अमाउंट अगेन। लेकिन दोस्तों आप काउंसलिंग तो वहाँ पर बाहर हो ही जाओगे, फिर भी आप चाहते हो कि मैं मोपअप राउंड में जाऊँ तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट अगेन जो है वहाँ पर जमा करवाना होता है। इसके बाद दोस्तों सरकारी सीट के लिए मोपअप राउंड की चॉइस फिलिंग ही स्ट्रे मोपअप राउंड की चॉइस फिलिंग भी कंसीडर होती है। यानी दोस्तों आपने मोपअप राउंड में जो चॉइस फिलिंग कर ली वही आपकी स्ट्रे राउंड में भी मानी जाएगी। तो ये दोस्तों आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर कुछ रहने वाला है। कॉमन काउंसलिंग क्या है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ये डाउट कर रहे हैं कि क्या सर एक ही राउंड होगा, तो ऐसा नहीं है, राउंड उसमें भी होंगे लेकिन वो एक अलग तरीके से होंगे। लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा आइडिया है इस साल ये कॉमन काउंसलिंग वाला रूल लागू नहीं होने वाला, सिर्फ प्रपोजल आया है और प्रपोजल ऐसे एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। और दोस्तों अगर ऐसा एक्सेप्ट किए जाएंगे तो वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जाएगा, तो ये हो सकता है 24 में लागू हो। लेकिन अभी तक के लिए दोस्तों यही जो मैंने प्रोसीजर बताया यही आपका रहने वाला है। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और दोस्तों आपको जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए हम अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, जहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी, आप कैसे कम नंबरों में एडमिशन ले सकते हैं वो सब कुछ वहाँ पर बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।